रखते हुए मुकेश पांडे ने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब को एक चाहने वालों में से मैं भी बनकर यहां आया हूं। आगे कहे कि शहाबुद्दीन साहब के लोकप्रियता चाहने वालों में दूसरा कोई शहाबुद्दीन नहीं हो सकता और गोपालगंज में कोई दूसरा सतीश पांडे नहीं हो सकता। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जब दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन में एक अलग तरह की कुछ दिनों से तालमेल दिखी जा रही है, दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं और दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। पिछले जो लोग 90 के दशक को देखा होगा तो उन लोगों को यह मालूम होगा कि वह एक ऐसा समय था कि सिवान के शहाबुद्दीन और गोपालगंज के सतीश पांडे में तनाव की खबरें सुर्खियों में बनी रहती थी। कहा जाता है कि वह एक ऐसा समय था कि दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा खूब चलता। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बिहार की राजनीति में एक अलग तरह की कुछ दिनों से तालमेल दिखी जा रही है, दुश्मन दोस्त बनते जा रहे हैं और दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। पिछले दिनों एक ऐसी नज़ारा सिवान में देखी गई और सबकी आंखें खुली के खुली रह गई। कहा जाता रहा है कि सिवान में दूसरा कोई शहाबुद्दीन नहीं हो सकता और गोपालगंज में कोई दूसरा सतीश पांडे नहीं हो सकता। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जब दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का पुण्यतिथि मनाई जा रही थी, तभी श्रद्धांजलि सभा में सतीश पांडे के पुत्र गोपालगंज से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे की मंच पर एंट्री हो गई और टाउन हॉल सभा में पहुंचकर फूल माला चढ़ाकर शहाबुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि भी दी। जो लोग 90 के दशक को देखा होगा तो उन लोगों को यह मालूम होगा कि वह एक ऐसा समय था कि सिवान के शहाबुद्दीन और गोपालगंज के सतीश पांडे में तनाव की खबरें सुर्खियों में बनी रहती थी। कहा जाता है कि वह एक ऐसा समय था कि दोनों लोगों में 36 का आंकड़ा खूब चलता था, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को गुजर जाने के बाद सब कुछ भूलकर सतीश पांडे का बेटा मुकेश पांडे श्रद्धांजलि देने सिवान टाउन हॉल पहुंच गए। वहीं जब सतीश पांडे के बेटा मुकेश पांडे श्रद्धांजलि देकर जब बाहर निकले तो शहाबुद्दीन साहब के तारीफ में खूब कसीदे गढ़े। यही नहीं, दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र सामद साहब को एक बड़ी सलाह भी दे डाली। मीडिया में अपनी बात रखते हुए मुकेश पांडे ने कहा था कि शहाबुद्दीन साहब को एक चाहने वालों में से मैं भी बनकर यहाँ आया हूँ। आगे कहे कि शहाबुद्दीन साहब के लोकप्रियता चाहने वालों के प्यार उनके ना रहने के बावजूद भी देखने को मिल रहा है। बस उनके लड़के यानी उसामा साहब से ये कहना चाहूँगा कि जो प्यार शहाबुद्दीन साहब को लेकर उनके लोगों का था, आप उसे आगे लेकर बढ़िए। ये ऐसा पहली बार था कि मुकेश पांडे ने सार्वजनिक तौर पर उसामा साहब को सलाह दी थी। यह भी पहली बार था कि शहाबुद्दीन के परिवार और सतीश पांडे के परिवार के बीच आपसी मिलावटी की सुगबुगाहट देखी गई। यही नहीं, भाजपा नेता मनोज सिंह भी अपने पुराने मित्र शहाबुद्दीन साहब के टाउन हॉल में जाकर श्रद्धांजलि भी दी थी। बन रही है हमारे साथ सिवान के पल पल की राजनीतिक खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमारे आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।